घर में चुपके से ये पूछ रहा तुमसे तुम मुझसे प्यार करोगी क्या रेशा रेशा तुझको। सलमान खान प्रोडक्शन की एक और फिल्म नोटबुक रिलीज हो गई है। फिल्म का प्रमोशन दोनों डेब्यूटेंट ने मिलकर किया है। हाल ही में प्रनूतन और जहीर कश्मीरी बच्चों के साथ फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे। इस दौरान वो बच्चों के साथ मस्ती करते भी नजर आए। कल पहली बार पिक्चर देखी और हमने एक दूसरे को देख के ये बोला कि हमने कमाल की पिक्चर बनाई। अब इसका जो फेट हो, बॉक्स ऑफिस हो, वो हम पूछ कर नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन पिक्चर टॉप। एक किस्म का भी मैं कह सकती हूँ कि फियरलेसनेस है, क्योंकि जो जहीर हमेशा कहता है, मुझे हमेशा कहता है कि अभी तुमने तो कर दिया ना अपना काम, अभी खुश रहो ना, नाउ एंजॉय दिस फेज। एंड आई फील दैट मैंने वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया है, तो इट्स काइंड ऑफ नाउ आई एम नॉट फियरलेस, यू नो, इट्स मोर लाइक वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म। एंड इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतनी सच्चाई से बनाई है और इतनी प्योर है, तो मैं चाहूँगी ना कि दुनिया देखे। जब किसी चीज़ पर इतना गर्व होता है तो आप चाहते हो कि हाँ देखो ना, गो आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड शो योर मैजिक। सो इतने एक्टर्स आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मुझे कल अनिल सर ने बताया कि माधुरी मैम ने ट्रेलर देखा और उन्होंने कहा कि ये लड़की में कुछ बात है। और ये सुनकर एक ऐसी हीरोइन से जो मेरी आइकॉन है, मेरी आइडल है, आई एम साइकोटिक अबाउट माधुरी मैम एंड आई सेड दैट इन एवरी इंटरव्यू ऑल्सो। तो आई थिंक मैं जा रही थी घर कल कुछ 4 बजे रात को और हम लोग बात कर रहे थे। आई सेड आई वाज टेलिंग माय पेरेंट्स माधुरी मैम हैज लाइक द ट्रेलर, आई लिटरली लाइक दिस। तो हाँ, आई थिंक जब सीनियर एक्टर्स बोलते हैं, अनिल सर ने भी काफ़ी तारीफ की कल पिक्चर देखकर हम दोनों की फिल्म की, और तो मैं बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश हूं। व्हाई वी ऑल गेट अलोंग, क्योंकि सब जानते हैं हम एक दूसरे को इक्वली प्यार करते हैं। देखो अब यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, है ना, है ना, है ना। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थैंक यू बेबी, तो ये हम सब जानते हैं कि एक दूसरे इक्वल प्यार है। तो अगर मैं इसको डांटूँ तो इसको बुरा नहीं लगता है कि मुझसे कम प्यार करते हैं, और इसको प्यार भी करूँ तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है ना। तारीफ पिछली बार हम सर और मैम के साथ गए थे मुंबई दर्शन करने, गए थे हम इंडिया गेट, गए थे स्मैश, गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, गए थे चौपाटी पे, गए थे और कहाँ गए थे और फिर मरीन ड्राइव भी गए थे और फिर स्मैश सर सलमान भाई के फार्म पे गए थे। और एक चीज मुझे बतानी है, जब वो हमारे साथ होते हैं, मतलब दे कैन स्टे डेज विद अस, कोई पूछेगा नहीं मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मतलब पूरी रात हमारे साथ रहेंगे, कि उनको पता है डिनर सॉर्ट आउट है, पिलोज, ब्लैंकेट्स, मस्ती सब सेट है इन लोगों का, तो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि मम्मा कहाँ है या पापा कहाँ है, जो बच्चे पूछते वो जब हम जा रहे थे इनको लेके जाते फार्म भी, तो सब टीम्स है हमारे साथ जो थी, बाबा हातिम तो आई थिंक आप लोगों को इनको पूछना चाहिए था कि हमें, हम लोग ने इनको तंग किया कि नहीं, इन लोग ने हमें बिल्कुल तंग किया। दिस गर्ल शमा हैज डन अ सीन, इट्स अ स्टॉर्म सीक्वेंस, टुक अ होल डे टू शूट, थैंक यू, एंड शी हैड टू गो, एवरी टाइम वी गिव वन टेक यू आर गेटिंग वेट विद द एंड द वाटर दैट्स कमिंग वाज फ्रीजिंग कोल्ड, दल का वाटर, द लेक का वाटर, फुल डे फॉर 12 आवर्स, डू वन टेक, गो चेंज टू द सेम ड्राई कॉस्ट्यूम ऑफ द सेम वन, dye your hair, do hair makeup, come back, do a take, go back. For 12 hours she did it, not one poof she did. Wow.
From 7 a.m. we started till I think 6:30 in the evening. And she continued with and at the end I said, we'll do one more. She said, yeah. बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।